नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत मेरे टेक्निक्स के चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग S8 की ऑफिशियल वीडियो, एप्पल आईफोन 7 जो कि रेड कलर में आया उसके बारे में बात करें, आईफोन 7 और 7 प्लस दोनों के बारे में बात करेंगे, फेसबुक लाइव वीडियो शो स्ट्रीमिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, और शाओमी का जो MTV 4A सीरीज का जो नए TV आया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं टेक न्यूज। तो सबसे पहले जो न्यूज आई है वो शाओमी की तरफ से आई है। जी शाओमी का जो MTV 4A सीरीज है वो लॉन्च हो चुका है चाइना में, और ये चार अलग अलग साइजेस में देखने को मिलेगा। जो साइजेस हैं वो है 43, 49, 55 और 65 इंचेस में। जी हाँ दोस्तों, और इनकी सबकी प्राइस अलग अलग है। जैसे कि 43 इंच का जो टीवी है वो आपको 20,000 में देखने को मिलेगा। 49 इंच का जो टीवी है वो 24,750 रुपीस में देखने को मिलेगा। 55 का जो है वो 30,500 रुपीस में देखने को मिल सकता है, और जो 65 है वो आपको 54,000 में देखने को मिलेगा। और ये सब के सब टीवी आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के साथ देखने को मिलेंगे, जिससे आपको रिमोट के साथ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी वॉइस कंट्रोल के साथ अपने टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जो कि फेसबुक की तरफ से आई है, जी हाँ फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग अब आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप अपने वेबकैम के थ्रू कर सकते हैं। इससे पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग थी आप सिर्फ फोन्स पे ही अलाउड था, टैब्स के ऊपर था और लैपटॉप PCs के ऊपर नहीं था। जी हाँ, अब दोस्तों आप चाहे तो अपने वेबकैम के थ्रू फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसकी अच्छी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली एक और एक्सटर्नल कैमरा लगाकर उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आई है आईफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अभी आईफोन ने 3 नई चीज़ें निकाली हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आईपैड का नया वर्जन निकाला है जो कि A9 चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ आईफोन SE जो कि 16 GB था वो ख़त्म कर दिया है, अब 32 GB से स्टार्ट होगा। जो 32 GB है वो आपको 27,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, और 128 GB का जो वेरिएंट है आपको वो अप्रोक्सीमेटली 37,000 में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आईफोन 7 और 7 प्लस आपको रेड कलर में भी देखने को मिलेंगे, जो कि प्रमोट करते हैं एड्स की रिसर्च के लिए। उस फोन में आपको इस तरह की एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, जो आईफोन 7 जो रेड कलर में आया है उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है पहले से, जो कि अब आपको पड़ेगा 70,000 रुपये में, और आईफोन 7 प्लस जो कि 128 GB वेरियंट है वो है आपको 82,000 में पड़ेगा। वहीं अगर 256 वेरियंट की बात करें तो आपको 92,000 तक जा सकता है। चौथी बड़ी खबर जो कि सैमसंग गैलेक्सी S8 की तरफ से आई है। जी हाँ, सैमसंग की तरफ से ये जो S8 है उसकी ऑफिशियल वीडियो लॉन्च हो चुकी है। ऑफिशियली तो नहीं हुई लॉन्च, बट आई थिंक ये लीक्स हैं, बट लगता तो यही है कि यही ऑफिशियल वीडियो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये वीडियो ही दिखा देता हूँ। तो कैसे लगे मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो ही बढ़ेंगे, ये अपना नारा है दोस्तों। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करें ताकि आपको किसी भी तरह की प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज या उसके ऊपर कोई रिसर्च जानना चाहते हैं, मैं आपके लिए उस प्रोडक्ट के ऊपर या रिसर्च जो भी आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।